वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं फिल्टर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं। आपको F8 का फिल्टर दिखाई दे रहा हो जिसमें TMP 600 mmHg की TMP होती है। इसमें कैपेसिटी वो आपको ये फिल्टर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो आउटलेट होता है, ये आपको आउटलेट दिखाई दे रहा होता है। ये डायलेसेट वाले लाइन होती हैं दोनों, एक इनलेट एक आउटलेट। ये ऊपर वाली जिसको कैप होती है, इसको हीटर बोलते हैं, हीटर कैप बोलते हैं। जो आपकी ये दिखाई दे, ये ओरिंग होती है। ये आपको मेम्ब्रेन्स दिख रही होंगी जो आपको फिल्टर में, ये आपको जो सरफेस एरिया दिख रहा है, ये आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर की बात करते हैं किस प्रकार से मेम्ब्रेन निकलती है इसके अंदर। तो हम इसको फोड़ कर देखेंगे या इसको काट कर देखेंगे किस प्रकार से मेम्ब्रेन होती है। बहुत हार्ड होता है ऊपर का, जो ऊपर का जो होता है एरिया जिसको जैकेट बोलते हैं, बहुत हार्ड होता है। ये आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। ये आपके चार टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं, सेलुलोज, सब्स्टिट्यूट सेलुलोज, सिंथेटिक सेलुलोज और सिंथेटिक। चार प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं। इस प्रकार से इसमें इस बारी माइक्रोन वाली मेम्ब्रेन निकलती हैं और इसी में आपको जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन निकलती हैं जो अपने खींचने पर ये रबड़ की तरह निकलती हैं। और इस प्रकार से मिलियंस में आपकी जो होती है मेम्ब्रेन होती हैं इस फिल्टर के अंदर। इस प्रकार से फिल्टर को अपन को बीच से काटने या अलग करने पर ये इस मेम्ब्रेन प्राप्त होती हैं। तो इसका ये आपको प्रैक्टिकल करके देखा है किस प्रकार से मेम्ब्रेन निकलती है। हमने सोचा है इसको खोल कर देखा जाए। अब वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।